हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 2 क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है जिसमें आपका जो है टेस्ट है। सो आप वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। इंस्ट्रक्शन है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर जो ये पैसेज है ये दिया गया है, इसको आपको रीड करना है और फिर उसके आंसर आपको करने हैं। सो राहुल एंड अमिता आर गुड फ्रेंड्स। तो राहुल और अमिता क्या हैं, वो अच्छे फ्रेंड्स हैं। दे गो टू द सेम स्कूल, वो सेम स्कूल में जाते हैं। दे प्ले चेस ऑन संडे, संडे को वो चेस खेलते हैं, चेस होता है शतरंज। एंड बास्केटबॉल ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को वो क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल। दे लव टू ईट फ्रूट्स, वो फ्रूट्स जो है उनको अच्छे लगते हैं। राहुल फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, राहुल का फेवरेट फ्रूट क्या है, मैंगो है। अमिता लव्स टू ईट पाइन ऐपल, अमिता जो है वो उसको पाइन ऐपल अच्छे लगते हैं। दे बोथ लिव इन दिल्ली, वो दोनों ही कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। राहुल बर्थडे इज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी, राहुल का जो बर्थडे है वो कब आता है, इन द मंथ ऑफ जनवरी। वाइल अनिताज बर्थडे फॉल इन द मंथ ऑफ मे, अनिता का बर्थडे कब आता है, जो मे मंथ है उसमें आता है। राहुल ऑन्स अ पेट डॉग, राहुल के पास अपना एक पेट डॉग है। अमिता डिसलाइक डॉग, अमिता को डॉग अच्छे नहीं लगते, बट लव कैट्स, लेकिन वो कैट्स जो है उसको अच्छे लगते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट टास्क है चूज एनी वन नाउन, वन नाउन नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड, आप ये पहले भी समझ चुके हो। फ्रॉम द पैसेज अबो एंड कम्प्लीट द टेबल बिलो, आपको यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है इसमें से वन नाउन आपको यहाँ पर चूज़ करनी है और यहाँ पर आपको लिख देनी है, क्लियर। तो अब मैंने यहाँ पर जो है आपको 2, 2, 3, 3 नाउन्स जो है यहाँ पे मैंने आपको मार्क की हुई हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। जैसे अगर हम पीपल की बात करें तो नेमिंग वर्ड पीपल क्या हो जाएंगे, राहुल, एक एक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हो। बच्चों कलर वाइज मैंने किया हुआ है, जैसे येलो, ये येलो हो जाएंगे। एनिमल जो है एनिमल हो जाएगा, ये डॉग कैट इस तरह से, ठीक है, तो देख सकते हो आप। तो अब देखिए राहुल लिख दिया हमने, एनिमल, एनिमल आप क्या लिखेंगे, नेमिंग वर्ड डॉग है और कैट हो सकता है। प्लेस में आप लिख सकते हैं बच्चों, प्लेस क्या है, स्कूल है प्लेस। उसके अलावा दिल्ली जो है, क्लियर, ये नाउन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए थिंग, थिंग में क्या हो सकता है, चेस जो है, ठीक है, चेस। उसके अलावा चेस के अलावा और आप क्या लिख सकते हो, मैंगो, ये क्या हो जाएंगी, ये जो है थिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में इनको लिख लेना है, क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है, वेन डू राहुल एंड अमिता प्ले चेस एंड बास्केटबॉल, ठीक है, जो राहुल एंड अमिता है वो चेस और बास्केटबॉल कब खेलते हैं। सो दे प्ले चेस ऑन संडे एंड बास्केटबॉल ऑन फ्राइडे, तो वो जो है संडे को चेस खेलते हैं एंड बास्केटबॉल कब खेलते हैं, ऑन फ्राइडे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वेन डू राहुल एंड अमिता सेलिब्रेट देयर बर्थडे, राहुल एंड अमिता वो अपना बर्थडे जो है कब सेलिब्रेट करते हैं। सो राहुल बर्थडे इज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी, राहुल का बर्थडे आता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। वाइल अमिताज बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ मे, तो अमिता का बर्थडे कब आता है, इन द मंथ ऑफ मे। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द ब्लैंक्स, अब आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वो कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट दिया गया है ए, राहुल, राहुल ऑन्स अ पैट डॉग, राहुल के पास क्या है, पैट डॉग है। अमिता डिसलाइक डॉग्स बट लव्स कैट, अमिता जो है उसको डॉग पसंद नहीं है लेकिन कैट अच्छे लगती हैं। बी दिया गया है राहुल एंड अमिता गो टू द सेम स्कूल, कहाँ जाते हैं वो, सेम स्कूल में। दे बोथ लिव इन दिल्ली, दोनों कहाँ रहते हैं, दिल्ली, क्लियर है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है तो डी कैपिटल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, तो वीडियो पॉज करके बेटा आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। नाउ नंबर 5 करेंगे, फिल विद ए और एन। देखिए ऑन अ सनी डे, हमने बेटा पहले भी किया हुआ है, अ कब आता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है, और एन जो है कब आएगा आर्टिकल, जब वॉवल साउंड होती है। तो वॉवल साउंड कौन सी होती है, ए ई आई ओ यू, ये साउंड जहाँ होंगी वहाँ एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ए का यूज़ करेंगे, क्लियर है। सो क्या आएगा, ऑन अ सनी डे आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया।
आई वॉन्टेड टू बाय, मैं ख़रीदना चाहता था अ पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है, सॉक्स का एक पेयर, तो पॉ की साउंड है ना पेयर, तो आएगा एंड अ ट्वाय फॉर माई लिटिल ब्रदर, और मेरे छोटे भाई के लिए जो है एक ट्वाय। इन द मार्केट आई मेट अ फ्रेंड, एक फ्रेंड से मिला, ही वॉज ईटिंग एन आइसक्रीम, अब देखिए आइसक्रीम बोल के देखिए आइसक्रीम, तो आई की साउंड आ रही है। वेन वी आर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे थे, इट स्टार्टेड टू रेन, रेन स्टार्ट हो गई। ही वेंट अवे विद हिज मदर, वो अपनी मदर के साथ चला गया। वाइल आई बॉट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ की साउंड आ रही है, तो वॉल साउंड है, तो एन अम्ब्रेला फ्रॉम अ शॉप, ठीक है, फ्रॉम अ शॉप। आई सॉ सम पीपल वेटिंग फॉर, आई सॉ सम पीपल वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप, ठीक है, एक बस के लिए जो है वो क्या कर रहे थे, फॉर अ बस एट द बस स्टॉप, वहाँ पर वेट कर रहे थे। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट कर देना है, क्लियर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर।